दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉइड बडी को और बेल आइकन को दबाए सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले Xiaomi Mi A1 के कैमरा यूजर इंटरफेस, उसके फीचर्स और उसके क्या कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों Xiaomi Mi A1 का कैमरा UI आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है। ये ऐप कुछ डिफरेंट नहीं है, इस पे आपको Google का स्टॉक कैमरा ऐप नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको Mi का ऐप मिलता है। नॉर्मल Mi फोन्स में आपको जो ऐप देखने को मिलता है वही ऐप यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एडेड कस्टमाइजेशन है क्योंकि यहाँ पे आपको डुअल कैमरा मिल जाता है और उसकी वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। तो चलिए ओवरऑल सारे फीचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों ये कोई कैमरा रिव्यू नहीं है, कैमरा रिव्यू के लिए ऑलरेडी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या ऊपर में कार्ड पे भी क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके क्या कुछ कैमरा फीचर्स है और कैमरा फंक्शंस क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कैमरा UI कुछ इस तरह से, और कैमरे को जल्दी से ऑन करने के लिए आप पावर बटन को दो बार प्रेस कर सकते हैं और इससे आपका कैमरा जल्दी से ऑन हो जाएगा। चाहे आप लॉक स्क्रीन में हो तब भी आपका कैमरा जल्दी से ऑन हो जाएगा अगर आप दो बार पावर बटन को प्रेस करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, जब आप जल्दी से फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद कैमरा UI पे आ जाते हैं। कैमरा UI आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, और यहाँ पे आप लोग कैमरा UI में आप लोग देख सकते हैं बीच में ही एक ऑप्शन दिया गया है 1x करके, ये एक जूम वाला ऑप्शन है। इस 1x को क्लिक करेंगे तो ये 2x हो जाता है और ये ऑप्टिकली जूम हो जाता है 2x तक, और इस ऑप्टिकल जूम से आपको एक लॉसलेस फोटो क्वालिटी मिलेगा। अगर आप लैंडस्केप फोटो कैप्चर कर रहे हैं और थोड़ा जूम करके फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो इससे मदद से आप बहुत ही अच्छा ऑप्टिकली जूम करके फोटो कैप्चर कर सकते हैं और इसमें आपका फोटो का क्वालिटी भी कुछ खराब नहीं होगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये 1x है, 2x क्लिक करेंगे तो ये ऑप्टिकली जूम हो जाएगा और इससे आप ऑब्जेक्ट के थोड़ा क्लोज पहुंच जाएंगे। तो ये था 1x और 2x का ऑप्शन, और इसके साथ आपको एक और ऑप्शन मिलता है इस डुअल लेंस की वजह से जो है पोर्ट्रेट मोड। ये ऊपर में देख सकते हैं एक आदमी जैसा आइकन दिया गया है, इसको अगर टैप करेंगे तो ये ब्लू कलर में चेंज होता है, और ये ब्लू कलर पे चेंज होने के बाद ये पोर्ट्रेट मोड में आ जाता है। पोर्ट्रेट मोड में जब आप फोटोज कैप्चर करते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है वो फोरग्राउंड में रहेगा, वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रहेगा, और उसके साथ पीछे का बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो जाएगा। ऐसे फोटोज आपको DSLR कैमरेज में देखने को मिलते हैं, वो इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये कुछ फोटो सैंपल्स है, आप लोग देख सकते हैं कैसे आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख के बैकग्राउंड पूरा ब्लर कर सकते हैं और इससे आप काफ़ी अच्छे पोर्ट्रेट फोटोज भी कैप्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया मेन फीचर Xiaomi Mi A1 के 2x ऑप्टिकल जूम और पोर्ट्रेट के बारे में। चलिए देख लेते हैं और क्या कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। टैप टू फोकस का आपको ऑप्शन मिल जाता है, कहीं भी आप टैप कीजिए स्क्रीन के ऊपर, टैप करने के बाद आपका ये फोकस है ऑब्जेक्ट पे लॉक हो जाएगा और आप लोग देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे एक कैमरे का छोटा आइकन बन जाता है, तो उसी के ऊपर अगर टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं फोटो ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाता है। तो कहीं भी आप टैप करके फोकस कीजिए और उसके बाद उसी के ऊपर टैप करके आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आपको नीचे यहाँ पे शटर बटन को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इसके साथ जब भी आप टैप करते हैं आप लोग देख सकते हैं साइड में दो छोटे छोटे एरो बन जाते हैं, इसको अगर आप ड्रैग करेंगे तो आप अपने फोटो के एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं या फिर आप अपने फोटो के एक्सपोजर को घटा सकते हैं अपने हिसाब से। इसके साथ लेफ्ट साइड में यहाँ पे 3 सर्कल्स दिया गया है, इसके मदद से आप कुछ फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं अपने फोटोज में। कुछ डिफरेंट फोटो फिल्टर्स आप अप्लाई करके अपने फोटो को एक नया लुक दे सकते हैं, और इसके लिए आपको अलग से कोई ऐप भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको इनबिल्ट कुछ फोटो फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं। और उसके साथ टॉप साइड में अगर आप देखेंगे टॉप साइड में यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक है HDR का और दूसरा है फ्लैश का। यहाँ पे आपको ऑटो HDR नहीं मिलता है, आपको HDR को मैनुअली ऑन करना पड़ता है। HDR को ऐसे ऑन कर सकते हैं या फिर ऐसे टैप करके ऑफ भी कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे लेफ्ट साइड में फ्लैश का ऑप्शन दिया गया है, फ्लैश में आपको ऑफ, ऑटो या ऑन का ऑप्शन दिया गया है, तो अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाते हैं 1x के ठीक नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है, ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और ऊपर में आप लोग देख सकते हैं डुअल कैमरा वाटरमार्क, इसको अगर आप ऑन करेंगे तो जब भी आप अपने Xiaomi Mi A1 से फोटो कैप्चर करेंगे तो उसके ऊपर एक वाटरमार्क आ जाएगा जो कि शॉट ऑन Mi A1 डुअल कैमरा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, अगर आप अपने फोटोज़ में फ्लॉन्ट करना चाहते हैं कि आपने Xiaomi Mi A1 से फोटो कैप्चर किया है तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पैनोरामा मोड दिया गया है। पैनोरामा मोड सभी को पता है,
एक वाइड फोटो आप कैप्चर कर सकते हैं पैनोरामा मोड में। टाइमर में आप टाइमर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 सेकेंड, 5 सेकेंड और 10 सेकेंड का ऑप्शन दिया गया है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसके साथ ऑडियो मोड दिया गया है, ऑडियो मोड बहुत ही काम में आता है, जब आपके फ़ोन के शटर को आप क्लिक नहीं कर पा रहे तो आप कुछ भी बोलेंगे तो आपका फोटो ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाएगा। चलिए आप लोगों को एक ऑप्शन दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप अगर ऑडियो मोड को ऑन करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं मैं जब भी कुछ बोलता हूँ ये ऑटोमेटिक शटर को ट्रिगर करता है और 3 सेकंड बाद फोटो कैप्चर हो जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, आप जब भी कुछ बोलेंगे तभी आपका ये फोटो ऑटोमेटिक कैप्चर होता जाएगा। तो मान लीजिए अगर आप सेल्फी क्लिक कर रहे हो या फिर ऐसा फोटो क्लिक कर रहे हैं जिसमें आप अपने शटर बटन को क्लिक नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे फोटोज क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है मैनुअल का। मैनुअल में यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे आप वाइट बैलेंस से लेके आईएसओ तक सब कुछ चेंज कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप एक्सपोजर टाइम यानी कि शटर स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छा बात है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाइट बैलेंस को आप ऑटो से, इनकैंडिसेंट, डे लाइट, फ्लोरोसेंट, ये सब चेंज करके कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो एक्सपोजर टाइम को यहाँ से, या फिर एक्सपोजर टाइम को आप चाहे तो यहाँ से घटा बड़ा घटा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे लोएस्ट 1/15 सेकंड का आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं और सबसे हाईएस्ट 1/1000 सेकंड का फोटो कैप्चर कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आपको फोकस का ऑप्शन मिल जाता है, ये बहुत ही अच्छा फीचर है। फोकस को ऑटो से जब भी आप मैनुअल करेंगे तो आप यहाँ से मैक्रो शॉट्स कर सकते हैं, एकदम क्लोज फोकस कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो एकदम एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज का फोकस कर सकते हैं और इसके मदद से आप मैनुअली फोकस को सिलेक्ट कर पाएंगे, आप पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकते हैं। और यहाँ पे जब भी आप मैनुअल फोकस पे रहेंगे तो यहाँ पे एक और अच्छी बात है, यहाँ पे आपको फोकस पीकिंग का ऑप्शन मिलता है। फोकस पीकिंग का मतलब है जो चीज़ आपका फोकस पे रहेगा वो चीज़ रेड कलर पे कवर होकर दिखाएगा, उसका जो एजेस है वो रेड कलर पे दिखाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये प्रोडक्ट जो है ये फोकस पे है, तो इसके चारों तरफ जो है रेड सर्कल बना हुआ देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, और जब भी ये आउट ऑफ फोकस जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं ये रेड फोकस, रेड पॉइंट्स जो है, रेड डॉट्स जो है वो कम होता जा रहा है। तो जितना पोर्शन फोकस पे रहेगा उतना पोर्शन यहाँ पे रेड कलर पे शो करेगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। फोकस पिकिंग आपको बहुत ही हाई एंड DSLRs में देखने को मिलता है और फोकस पिकिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर आप एक्यूरेट फोकस करना चाहते तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करके मैनुअली फोकस कर सकते हैं। और इसके साथ आप एक्सपोजर को अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आप किसी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का फोटो कैप्चर कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा शटर स्पीड यानी कि 1/1000 या 1/500 का शटर स्पीड चाहिए, और या फिर अगर आप लो लाइट में फोटोज कैप्चर कर रहे हैं तो आपको एक स्लोअर शटर स्पीड चाहिए जिसकी मदद से आपको बहुत ज़्यादा देर तक एक्सपोजर टाइम मिले और उसकी वजह से आपको थोड़ा और लाइट मिले। तो इस मोड को ऑन करके मैनुअली आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप कितने शटर स्पीड में फोटो कैप्चर कर सकते हैं, और इसकी मदद से नाइट टाइम में भी थोड़ा बहुत आप अच्छा फोटोग्राफी कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे आपको लेंस सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहे तो नॉर्मल लेंस से फोटो कैप्चर कर सकते हैं या फिर वाइड लेंस यानी कि जो जूम वाला लेंस है उस लेंस से भी आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये एक फुल फ्लेज्ड मैनुअल ऑप्शन है, इसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और बहुत क्रिएटिव फोटोज़ कैप्चर कर सकते हैं। और उसके बाद ऑप्शन आता है स्ट्रेटन का, स्ट्रेटन को सिलेक्ट करेंगे तो अगर आप अपने फोटोज़ को टिल्ट करके कैप्चर करते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्ट अगर थोड़ा टिल्टेड है उसके अकॉर्डिंग एक स्क्वायर या फिर एक रेक्टेंगल बना देगा जिसकी मदद से आपका फोटो ऑलवेज सीधा आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अगर स्ट्रेट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक स्ट्रेट हो जाता है, लेकिन जब भी मैं इसको रोटेट करता हूँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये टिल्ट हो जा रहा है और ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट रखने की कोशिश कर रहा है। और इसकी मदद से जब भी आप फोटो कैप्चर करेंगे तो आपका फोटो ऑलवेज स्ट्रेट ही आएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फोटो बिल्कुल ही स्ट्रेट आया है। और इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई मोड आप रियर कैमरे से भी ऑन कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन ऑप्शन दिया गया है लो, मीडियम और हाई। इसके बाद ऑप्शन आता है ग्रुप सेल्फी का। ग्रुप सेल्फी अगर आप फोटो कैप्चर करेंगे, ग्रुप सेल्फी में कैमरा ऑटोमेटिक मल्टीपल फोटोज कैप्चर करता है और उसके बाद उन सब फोटोज को मर्ज करके एक कॉम्बाइंड फोटो बनाता है जिसपे सब लोगों का फोटो अच्छा आए। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, हालांकि ये उतना इफेक्टिव नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। उम्मीद है फ्यूचर अपडेट से ये और भी अच्छा बन जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आया था टिल्ट शिफ्ट का, और उसके बाजू में ऑप्शन आता है स्क्वायर का। और इस स्क्वायर मोड से फोटो कैप्चर करेंगे जब, तो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर में फोटो आएगा और इस परफेक्ट स्क्वायर में फोटो को आप अपने प्रोफाइल पिक्चर में, व्हाट्सएप में, फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे लगा सकते हैं। और इसके लिए आपको अलग से क्रॉप करके एडिट करने की जरूरत नहीं है, आप यहां से मैनुअली स्क्वायर शेप में ही फोटो कैप्चर कर सकते हैं और हमेशा आप एक अच्छा प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे Xiaomi Mi A1 के
कैमरे के कुछ ऑप्शन। इसके बाद टॉप राइट साइड कॉर्नर में आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे एक सेटिंग्स का आइकन दिया गया है। इस सेटिंग्स का आइकन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको और भी कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा साउंड्स को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेव टू एचडी कार्ड, मतलब अगर आप अपने फोटोज़ को एचडी कार्ड पर सेव करना चाहते हैं डायरेक्टली तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आपके फोटोज़ जो है आपके डायरेक्टली एचडी कार्ड पर ही सेव होगा। इसके बाद आप लोग टाइम स्टैम्प डाल सकते हैं फोटो में, ग्रिड लाइंस इनेबल कर सकते हैं और यहाँ पे एक इनहेंस लो लाइट फोटोज ऑटोमेटिकली ऑप्शन है, आप इसको चाहे तो ऑफ करके रख सकते हैं या फिर इसको इनेबल करके रख सकते हैं। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं प्रेस एंड होल्ड करने पे क्या होता है, ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर आप बर्स्ट मोड में शूट कर सकते हैं या फिर फोकस कर सकते हैं। और इसके बाद कैमरा फ्रेम को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूँ फुल स्क्रीन करने पर आपका कैमरे का जो रेजोल्यूशन है वो घट के 9 मेगापिक्सल पर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा यूआई जो है पूरा फुल स्क्रीन हो गया है। जैसे आप देख सकते हैं कैमरा यूआई पूरा फुल स्क्रीन बन गया है और इससे आप फोटो कैप्चर करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे फोटो के डिटेल्स में जाके जो फोटो का कैमरा क्वालिटी है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 9 मेगापिक्सल हो गया है। और नॉर्मली जो फोटो कैप्चर करते हैं वो 12 मेगापिक्सल कैप्चर होता है, तो यहाँ पे थोड़ा रेजोल्यूशन कम हो जाता है। तो अगर आप 16:9 में फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो आपको रेजोल्यूशन थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसके बाद आप यहां से पिक्चर क्वालिटी चेंज कर सकते हैं हाई स्टैंडर्ड और लो। और उसके बाद वॉल्यूम बटन से आप शटर फंक्शन कर सकते हैं या जूम या फिर वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। एंटी वेंडिंग यानी कि जो फ्लिकरिंग होता है उसको आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने रीजन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जनरली यहाँ पे इंडिया में 50 Hz ही है तो यहाँ पे आप इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो एक्सपोजर सेंटर यूएट आप फ्रेम एवरेज कर सकते हैं या फिर स्पॉट मीटरिंग कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट यहाँ से आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं अपने फोटोज़ का। आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल पे दिया गया है, आप अगर चाहे तो हाई कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं या फिर लो कॉन्ट्रास्ट वाला फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं। और उसके साथ सैचुरेशन भी आप अपने फोटोज़ का चेंज कर सकते हैं मैनुअली, इसको लो लोएस्ट या फिर हाई हाईएस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और फाइनली अगर आपने बहुत कुछ चेंज करनी है अपने कैमरे का और कुछ प्रॉब्लम हो गया है और आपको पता नहीं चल रहा है एग्जैक्ट कौन से प्रॉब्लम की वजह से कैमरे में ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप रिस्टोर टू डिफॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं। और रिस्टोर टू डिफॉल्ट सेटिंग करेंगे तो आपका ये जो कैमरा सेटिंग्स है सारे कैमरा सेटिंग एकदम बिल्कुल नॉर्मल जैसा पहले जैसा बन जाएगा। इसके साथ दोस्तों फोटो के शटर बटन के पास में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको वीडियो का मोड दिया गया है। वीडियो मोड में अगर आप ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है जो कि है टाइम लैप्स का और स्लो मोशन का। टाइम लैप्स से आप एक टाइम लैप्स का अच्छा फोटो कैप्चर कर सकते हैं, टाइम लैप्स का एक अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन स्लो मोशन यहाँ पे प्रॉपरली काम नहीं करता है, पता नहीं क्यों, फ्यूचर अपडेट में शायद ये फिक्स हो। अभी स्लो मोशन अगर आप कैप्चर करेंगे तो नॉर्मली वो अगर आप पीसी में या फिर कहीं और पे जाके प्ले करेंगे तो वो ऑटोमेटिक नॉर्मल स्पीड पे ही प्ले होता है। और इसके बाद आप लोग यहाँ से सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको फोटो वाले नहीं कुछ वीडियो वाले ऑप्शन और मिलेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इमेज कैप्चर वाइल रिकॉर्डिंग, इसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो आप वीडियो रिकॉर्ड करते करते किसी भी ओरिजन पे किसी भी पॉइंट पे आप फोटो भी कैप्चर कर पाएंगे। और पहली बार जब आप कैमरे को ऑन करेंगे या फिर कैमरे को यूज़ करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे आपका वीडियो क्वालिटी जो है वो नॉर्मली एचडी पे रहता है। आप इसको चेंज करके फुल एचडी पे कर लीजिए या फिर आप अगर 4K में वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसको 4K करके रख लीजिए, वरना ये नॉर्मली एचडी पे वीडियो रिकॉर्ड करता है। इसके बाद फोकस मोड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टैप मोड में आता है, ये यहाँ पे ऑटो फोकस मोड में नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में आके इसको टैप को चेंज करके CAF करना है, मतलब कॉन्टिन्यूस ऑटो फोकस यहाँ पे आपको करना है। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं टाइम लैप्स का आप इंटरवल सिलेक्ट कर सकते हैं आप। और उसके बाद नीचे के जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सेम ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ अलग ऑप्शन नहीं है। तो ये तो थे रियर कैमरे के कुछ ऑप्शंस। और यहाँ पे आपको फ्रंट पे 5 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है और फ्रंट कैमरे को ऑन करने के लिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका फ्रंट कैमरे पे स्विच हो जाएगा। और फ्रंट कैमरे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है राइट साइड कॉर्नर में, ये ब्यूटीफाई का ऑप्शन है। ब्यूटीफाई मोड को आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट प्रो और ऑफ ऑप्शन दिया गया है, तो अगर आप स्मार्ट सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ब्यूटीफाई अप्लाई करेगा, या फिर प्रो सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप दो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्लिम फेस देख सकते हैं, स्लिम फेस को आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं आप कितना स्लिम फेस अपना बनाना चाहते हैं या फिर स्किन टोन को आप कितना चेंज करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये मैनुअली भी आप कर सकते हैं या फिर स्मार्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एक ब्यूटीफाई मोड अप्लाई करके देगा आपके फेस के ऊपर। और उसके बाद ऑप्शंस में ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है, यहाँ पे आप टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है, ऑडियो का और ग्रुप सेल्फी का। और इसके बाद सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको वही सारे सेम ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ पे कुछ अलग से ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पे वीडियो मोड में जाएंगे तो वीडियो मोड में यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, यहाँ तक कि आपको वीडियो का सेटिंग करने भी ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप कितने रेजोल्यूशन वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे।
यहाँ पे जनरली आपका जो वीडियो रिकॉर्ड होता है वो फुल एच डी पे रिकॉर्ड होता है फ्रंट कैमरे से, लेकिन यहाँ पे अगर मैनेज करने का ऑप्शन होता है कि फुल एच डी या फिर एच डी में आप रिकॉर्ड कर पाएंगे तो वो और एक अच्छी फीचर हो सकता था। तो दोस्तों ये था Xiaomi Mi A1 के कैमरे ऐप और कैमरा UI का एक टोटल ओवरव्यू। उम्मीद है आप लोगों को इससे अंदाजा हो जाएगा कि इसमें आपको कैमरे में क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे और कैसे कैसे फोटोज या कैसे वीडियोज आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और दोस्तों अगर आप फुल कैमरा रिव्यू देखना चाहते हैं तो अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप जरूर चेक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।